दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी, और कंफर्म है कि उनको टीबी है, डॉक्टर बोलता है कि आपको टीबी ही है, तो मेरी आपकी गारंटी है, मेरी तरफ से आप ये कर लीजिए कि सब दवाएं छोड़ दीजिए, टीवी की कोई दवा मत खाइए, बस आधा कप रोज गोमूत्र सवेरे सवेरे पीते जाइए, चार महीने के बाद ट्यूबरकुलोसिस जड़ से खत्म हो जाएगा, जड़ से, रूट से, जिंदगी में दोबारा आपको टीवी नहीं होगा। गोमूत्र रोज ताजा होना, ताजा हो तो बहुत अच्छा, और अगर किसी कारण से ताजा नहीं हो सकता तो बाटली में भर के रख लीजिए, दो तीन दिन पुराना भी चलता है, लेकिन ताजा होगा तो सबसे अच्छा। मैंने पिछले दो साल गोमूत्र के बहुत परीक्षण करके देखे, ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे पेशेंट जो सरकार की दवा खाते हैं, आपने देखा वो डॉट्स आता है, डॉट्स की दवाएं आती हैं, तो जो डॉट्स की दवाएं खाते मैंने उनको बंद करा दिया कि मत खाओ, खाली गोमूत्र पियो। तो गोमूत्र पीने मात्र से तीन से सवा तीन महीने, ज्यादा से ज्यादा साढ़े तीन महीने में सबको टीबी खत्म हुई, और दोबारा जब उनकी जांच कराई तो डॉक्टर हैरान हो गया कि इतने अच्छे रिजल्ट्स तो डॉट में कभी नहीं आते, आपने दवा क्या दी। मैंने कहा इनको डॉट्स दिया ही नहीं है, इनको तो खाली गोमूत्र पिलाए। तो डॉक्टरों को इंटरेस्ट हुआ कि इसमें ऐसा क्या है, ये एंटी टीबी, इसमें कोई एक्टिविटी है क्या, एंटी ट्यूबरकुलोसिस। तो सीबीआरआई लखनऊ ने इस पे बहुत रिसर्च किया, और उनका ये मानना है कि ट्यूबरकुलोसिस की दुनिया में आज तक जितनी दवाएं बनी हैं उनसे 20 गुना ज्यादा ताकतवर है गोमूत्र, 20 गुना। डॉट्स की गोलियां आती है, सरकार बांटती है, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मिलती है, टीबी की गोलियां देखिए आपने, वो एक पैकेट के रूप में देते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस की लेटेस्ट जितनी मेडिसिन दुनिया में हैं, उन सभी से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है गाय का मूत्र, 20 times। जिन बच्चों को बाल अस्थमा दमा है उनके लिए भी, उनके लिए भी अच्छा। बचपन से जिन बच्चों को दमा है, बहुत सारे बच्चों को जन्म से दमा होता है, उनको आप एक ही चम्मच दीजिए, बड़े लोगों को आधा कप, छोटे बच्चों को एक चम्मच, 14 साल की, हाँ हाँ दे दीजिए एक चम्मच, उसको दो चम्मच तक दे सकते हैं, 14 साल का बेटा या बेटी किसी को भी। तो आप गोमूत्र अद्भुत है, इसको उपयोग करिए दमा में, अस्थमा में, ट्यूबरकुलोसिस में, ब्रोंकियल अस्थमा में। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।